नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने प्रशिक्षण पे चुनाखान इको टूरिज़्म। और अभी आपको लेके चलता हूँ चुनाखान इको टूरिज़्म। ये पौलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का एरिया है जो देख रहे हैं। भी मैं हूँ चुनाखान इको टूरिज़्म पे, जहाँ पर अपने लोगों की ट्रेनिंग होती है और बहुत सारे जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं, एसडीओ, रेंजर्स, बहुत सारे लोग। ये पूरा कैंपस है, आप देख रहे होंगे। तो आज जो है, जो हम लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण विधि नियमावली है 2024 हाल ही में जो है लागू हुई है। तो पहले 2012 थी, इस बार 2024 24 में लागू हुई है। तो क्या क्या उसमें प्रोविज़न है, तो उसके संबंध में जो है ट्रेनिंग रखी गई है। तो अभी ट्रेनिंग का जो है कंप्लीट हो चुकी है, अभी चल रहा है अपना लंच टाइम। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैंपस। और इस तरफ जो है एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है यहाँ पर, इसमें फल है, ये इधर पर है। तो ये जो देख रहे हैं अब, ये है रुद्राक्ष का पेड़। और इसके नीचे अगर आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो रुद्राक्ष के जो गिरे हुए हैं। ये देख सकता है इतना शानदार वृक्ष है। और ये FRH है यहाँ पर का, और ये अपना ट्रेनिंग का है। उस तरफ कैंपस है, छात्रावास है। बीच में जो है यहाँ पर बहुत सारे जो वनरक्षी थे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। दोस्तों, बारिश का मौसम हो रहा है और हमारा हो गया सेशन कंप्लीट। और आज बहुत सारी जो जांचें होती हैं, जैसे कि जो फसल क्षति हो गया, मानव क्षति या पशु क्षति, जो विभिन्न प्रकार की क्षतियां हैं, उसकी जो जांच, आख्या जांच रिपोर्ट लगानी होती है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। तो अब चलते हैं हम अपने कार्यालय की ओर, अपने चौकी की ओर। तो मिलता हूँ आपसे।